कक्षा 10 हिंदी। पूर्व में सभी छात्र छात्राओं को वाराणसी पाठ बताया गया है, पढ़ा दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को अगला पाठ है वीरह वीरेण पूज्यते, वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। अस्थानम अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम, अस्थान सिकंदर का सेना शिविर। अलक्षेंद्र आम्भीक च आसीनो वर्तते, सिकंदर और आम्भी दोनों बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा, बंदी पुरराज को आगे करके। एकता प्रविशति यवन सेनापति, एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति, सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज, पुरु कहता है एस भारत वीरोपी यवन राजम अभिवादयते, यह भारत वीर भी यवन राज को, यवन राज का अभिवादन करता है अर्थात प्रणाम करता है। अलक्षेंद्र सिकंदर साक्षेपम माने आक्षेप के साथ, अहो बंधन गता अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज, अरे बंधन में पड़े होने पर भी स्वयं को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज यवनराज, पुरुराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंहेव बने वा भवतु पंजरे वा, शेर तो शेर ही होता है चाहे वह वन में हो अथवा पिजड़े में हो। अलक्षेंद्र सिकंदर किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु पिजड़े में बंद शेर किसी भी प्रकार का पराक्रम नहीं करता है। पुरुराज, पुरु कहता है पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज, पराक्रम करता है यदि अवसर प्राप्त करता है तो। अपि च यवनराज और भी यवनराज, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो हि वीरता। बंधनम मरणम वापि, बंधन हो अथवा मरण हो, जयो वापि पराजय विजय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीर जो है, दो वीर जो है वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान होता है। वीर भाव ही वीरता, वीरता का भाव ही वीरता है। आम्भिराज, आम्भि कहता है सम्राट वाचाल एस हंतव्य, महाराज यह वाचाल मारने के योग्य है। सेनापति आदिशतु सम्राट, सेनापति कहता है जैसा आपका आदेश, महाराज आप जैसा जैसी आज्ञा दें। अलक्षेंद्र सिकंदर अथ मम मैत संदेह अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज, इसके बाद मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था पुरुराज। पुरुराज स्वराजस्य रक्षा स्वराष्ट्रद्रोहा च मुक्ति, पुरु कहता है अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है मैत्री करणे पि राष्ट्रद्रोह,
मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है? पुरु राजा आम, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत देश एक है। बहूनि चात्र राजानि, यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासका, और अनेक शासक हैं। तव मैत्रिसंधिना तान विभज, त्वम मैत्रिसंधिना तान विभज्य भारत देश जेतुम इच्छसि। तुम मित्रता की संधि के द्वारा भारत को तान विभज्य, उनको बांट कर भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आम्भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेन्द्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है ये ऐसा तुम्हारी बात, ऐसी तुम्हारे ऐसा तुम्हारा वचन विरुद्ध है। एतावत राजानः जनाः च परस्परं द्रोह्यन्ति, यहाँ तो राजा और लोग आपस में द्रोह करते हैं। पुरु राजा तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषयः, पुरु कहता है वह सब हमारा भीतरी विषय है, आंतरिक अर्थात भीतरी विषय है। वाय शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य एवं राजा, बाहरी शक्ति का वहाँ हस्तक्षेप करना असहनीय है एवं राज। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया, अलग धर्म अलग भाषा भूषा और होने पर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा देश विशाल है, बड़ा है। जैसा कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद् भारतम नाम भारतीयत संति। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और जो भारत देश हिमालय के दक्षिण में है। वर्ष तद् भारतम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है। भारतीयत संस्थि, जहाँ के रहने वाले लोग, जहाँ के निवासी, जिसकी संतान हैं। अलक्षेन्द्र सिकंदर कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर, तो क्या मेरे द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करना दुष्कर अर्थात कठिन है? पुरु राज पुरु कहता है न केवलम दुष्कर असंभवोपी, केवल दुष्कर अर्थात कठिन ही नहीं है बल्कि असंभव भी है। अलक्षेन्द्र सरोसम क्रोध के साथ दुर्विनीत अभिनयी किम न जानामि, क्या नहीं जानते हो? इदानीम विश्व विजयिनः अलक्षेन्द्र से अग्रे वर्तते, जो है इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। पुरु राजा जानामि, किंतु सत्यम तु सत्य एव यवन राजा, जान पुरु कहता है जानता हूँ किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यवन राज। भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, हम सभी भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलेंगे। अलक्षेन्द्र सिकंदर कस्तावत गीताया संदेश, क्या है तुम्हारा गीता का संदेश? पुरु राज श्रूयताम, पुरु कहता है सुनिए। हतोवा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतच्वर। हतोवा प्राप्यसि स्वर्गम, हे अर्जुन यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे, हत अर्थात मारे जाओगे, तो प्राप्यसि स्वर्गम, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्षसे महिम, जित्वा अर्थात जीत कर,
भोक्ष से महिम पृथ्वी के सुख को भोगोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। निराशी आशा रहित, निर्ममो ममता रहित होकर और विगत ज्वरा संताप रहित होकर के हे अर्जुन तुम जो है युद्ध करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अलक्षेंद्र किमपि बेचैन। सिकंदर कुछ भी सोच कर अलम तव गीताया। रहने दो अपनी गीता को पुरुराज। पुरुराज तुम अस्माकं बंदी वर्तसे। हे पुरुराज तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम्। कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज यथैकेन वीरेण वीरम प्रति। पुरु कहता है जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलक्षेंद्र सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षिता। सिकंदर पुरु के वीरता के भाव से प्रसन्न होकर साधु वीर अच्छा वीर नूनम वीर असि निश्चय ही वीर हो। धन्यम त्वम तुम धन्य हो। धन्याते मातृभूमि तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य सेनापति को लक्ष्य करके सेनापति सम्राट महाराज। अलक्षेंद्र वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय। वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति। सेनापति कहता है जैसी महाराज की आज्ञा। अलक्षेंद्र सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आम्भिकस्य हस्तम गृहीत्वा। एक हाथ से पुरु और दूसरे हाथ से आम्भिक के हाथ को लेकर वीर पुरुराज सखे आम्भिक। वीर पुरुराज मित्र आम्भिक। इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि। इस समय हम सभी समान रूप से मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः। अब हमें मित्रता के उत्सव को मनाना चाहिए। सर्वे निर्गच्छन्ति सभी निकल जाते हैं।